अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है पाँव में मोच आ जाना या कहीं बाजू कोने पाँव वगैरह लग जाना। कभी कभी इस तरह भी होता है कि मोच ना कहीं लगने से नहीं आती, कोई एंगल हमारा खराब होता है, नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है और ना मसल पुल हो जाता है वहां से, तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेरा मसल पुल हो गया था तो मैंने क्रीम भी यूज की तो मुझे उससे आराम नहीं आया। फिर आंटी ने कहा कि ये टोटका अप्लाई करो, इसको 3 दफा करने से ना इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा और 90% मुझे इसी टोटके से आराम आया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहले ना आप लोग टोटका सुन लीजिए ताकि ना आप लोगों को सही तरह पता चल जाए। सरसों का तेल लेना है, जितना सरसों का तेल लेना है उतना ही हमने नमक लेना है सफेद, ठीक है? उन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसको मैंने माइक्रोवेव में 40 सेकंड्स के ऊपर गर्म किया था। जब उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए थे फिर हमने उसको निकाल दिया। तेल और नमक को मिक्स किया हुआ, उसके बाद क्या करना है, एक लीमू लेना है, उसको दरमियान से आधा काटना है, उसके बीच निकालने हैं, फिर लीमू के आधे हिस्से को पकड़ के उस गर्म तेल के अंदर डिप करना है। डिप करके जिस जिस्म के हिस्से पे दर्द होगी ना वहां पे हमने यूं यूं करके उसको टकोर देनी है, ठीक है? टकोर देनी है 2 मिनट, फिर उस तेल को साफ कर लेना है, फिर दोबारा डिप करना है, फिर गरम गरम टकोर देनी है। टकोर देने के बाद हम लोगों ने मोटी जराबे पहन लेनी, हवा नहीं लगनी चाहिए, दिन में 3 दफा करना है। आई प्रोमिस आप लोग की दर्द 90 नहीं तो 70% तो कम होगी ही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द थी, मुझे 2 दफा करने से ही ना आराम आ गया था। चले जी अब टोटके की तरफ चलते हैं और आंटी जब मेरी मसाज कर टकोर दे रही थी फिर मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो वीडियो दिखाती हूँ। सरसों का तेल, ये मेरा पाँव है। अच्छा, इतना ज़्यादा नमक डालना है, जितना सरसों का तेल होगा उतना ही नमक डालना है, ठीक है? एक नीम काटना है। इसको गर्म करना है। अच्छा, पहले नींबू अंदर डालना है इसके? नहीं, इसको सिर्फ गर्म करना है। अच्छा, फिर नींबू को काट के गर्म गर्म तेल को दे के उसकी टकोर करनी है। अच्छा, मैं इसको गर्म करूँ अब? हाँ, इसको ओवन में रख के करूँ। अच्छा, अब आंटी मिक्स कर रही है इसे उसके। ये देखो अब अच्छा टकोर आ रहा है। वो गर्म नहीं था पहले, उठे ज़्यादा ही गर्म लेना। समझ से बाहर हो गई आंटी, पता नहीं बैठे बैठे ही मैं बैठे बैठे ऐसे गिरी मेरे पाँव। हाय, अब ठीक है? पानी की बाल्टी में जा लगी। अच्छा, पानी की बाल्टी में दवाई खा लेनी थी। और पहले ना दो खा ली थी। आई आंटी गरम। हाँ, अब सही है, अब सही हो गया, एकदम गरम लगा था। उधर टिश्यू पार के देना। अच्छा, इसको साफ कर देना फिर और टकोर कर लेनी है। हाँ, के नीचे नहीं गिरेगा ना। ठीक है, साफ कर देना और टकोर करी जानी है, ठीक है आंटी? जी आज की वीडियो हुई खत्म। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई। घर में किसी को भी कोई तकलीफ है, कहीं दर्द है या कहीं बाजू लग गया है, उसको आप लोग ये करें, टकोर दें और उनको क्या जराबे पहन लें घंटे के लिए, दिन में 3 दफा कर लें। आप लोग दोबारा गर्म कर लें, ठंडा हो गया तेल तो दोबारा माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा। और मुझे आप लोग फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मैं आप लोगों का फीडबैक का इंतजार करूंगी। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रब रखा।